सावित्री कहिए पिया जी। पता नहीं जब मैं घर से चला तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब मुझे चक्कर सा रहा है, मेरा जी समय चला रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे मौत के दिन नजदीक हो। ऐसी बात मत कहिए पिया जी, आज आपने कुछ ज्यादा ही लकड़ियां काट ली हैं, जिसकी वजह से आपको थकावट महसूस हो रही है। आप पेड़ से नीचे उतरिए और मेरे गोटे पे सर धर लीजिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं सावित्री, सावित्री मेरे प्राण काट कोई ले जाना चाहे से मेरी काया में भड़क लाग रही चक्कर साहब से। ऐसी बात मत करिए पिया जी। सावित्री मेरा सिर चकरावे है। सावित्री पिया जी फटका खा के नीचे गिर जाता है सत्यवान। और हमारे बड़े अच्छे कलाकार है आदरणीय दिनेश शैला जी, उनके साथ शैलन जी, दोनों एक बार कलाकार के लिए जोरदार ताली बजा का मान सम्मान करो और किस्से का भी ध्यान रखो। सत्यवान गिर गया और किस प्रकार से यमराज आता है, यमराज के और सावित्री के क्या सवाल जवाब होते हैं, आइए। पिया जी आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, आपके बिना मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगी। पिया जी उठिए, पिया जी उठिए, पिया जी ये लड़का अभी तो जीवित था पर ये मर गया, अब मैं यमराज हूँ और मैं इसके प्राण निकाल के किसी और अन्य शरीर में प्रवेश करवाऊंगा। ठहरिए महाराज ठहरिए, आप मेरे पति के प्राणों को इस तरह से लेकर नहीं जा सकते। अरे तने देख लिया मैं? हाँ देख लिया। ऐसा इतिहास में पहली बार होया, कोई भी आदमी सह शरीर यमराज को देख नहीं सकता। बेटी मैं तो तेरा का कट गया गती, तने जीते जी देख लिया। हाँ देख लिया। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे पति के प्राणों को इस तरह से निकाल कर नहीं लेके जा सकते। यो कौन है? ये मेरे पति है। तो बेटी बेशक यो मैं ले जा नहीं सकता, पर यो तेरा पति जो है ना, इसका इतना ही दाना पानी था संसार में, यो तो मर गया। नहीं पिया, नहीं महाराज, अगर आप मेरे पति के प्राणों को लेकर जाएंगे तो आप मेरे भी प्राण लेकर जाइए, मैं अपने पति के प्राणों को ले जाने नहीं दूंगी। ये विधि का विधान है और यमराज का नियम है, मैं चाके भी किसी के प्राण निकाल नहीं सकता और चाके भी किसी के प्राण उल्टे दे नहीं सकता। बेटी मैं तेरे सत धर्म की वजह से मैं इसके पास जाके इसके प्राण नहीं निकाल पा रहा हूँ, तू दूर हो जा, मैंने इसके प्राण काट लेने दे, इसका इतना चुगा पानी था। लेकिन मैं अपने पति के प्राणों को इस तरह से ले जाने नहीं दूंगी। हट जा दूर। जब तक ये सावित्री जिंदा है ना, अपने पति को जाने नहीं दूंगी मैं ऐसे। ले बोल न्यू करे तो काम चालन लग गया तो आबादी घनी नहीं हो जाएगी। मेरा नियम है यो, लेकर जाऊंगा तू दूर हट। आपका नियम है लेकिन मेरी भी ये बात है कि मैं अपने पति के प्राणों को ले जाने नहीं दूंगी। मैं तो काटूंगा। नहीं ऐसे नहीं। नहीं माने? नहीं। सुन ले मेरी बात। कहिए अपनी बात। सावित्री उल्टी हट जा। लेकिन महाराज यहाँ तक तेरा फर्ज था, ही उल्टी हट जा। लेकिन लेकिन मेरी बात भी सुनिए। कह दे बिना पति के धर्म राज मेरी चुपकर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी चुपकर जिंदगी कट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा सावित्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी चुपकर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी चुपकर जिंदगी कट जा। सावित्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। जिंदगी जब मेरा पति ही जीवित नहीं रहेगा तो मैं जी कर क्या करूंगी, मुझे भी अब मेरे पति के साथ ले जाइए। देख बेटी बावली ना बने, किसे के मरे तभी दुनिया रुकिया नहीं करती। लेकिन मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। ये इंसान को लगता है कि भी फलाना आदमी मर जाएगा तो उसके बिना तू रह नहीं सकता, पर ऐसा कुछ नहीं है। किसी के मरे से भी ये दुनिया नहीं रुकती, तू भी थोड़े दिन में एक दो दिन रो दो का ठीक हो जाएगी इसके प्राण काट। नहीं मेरे पति के प्राण नहीं ले जा सकते आप। अच्छा हाँ मेरी बात सुन ले। कहिए हाँ।
ख्याल करूं। जाने अवस्था जति पति बिने मोक्ष बता किस डाल करूं। जाने अवस्था जति पति बिने मोक्ष बता किस डाल करूं। ए भले बुरे कर्मों का लेखा, भले बुरे कर्मों का लेखा उस ईश्वर के घर छट जा। झूठा मोह का जाल जगत ने एक दिन बेरा पट जा। झूठा मोह का घर बेरा जो कर जिंदगी कट जा। बेटी के समान है, बिल्कुल। ये सावित्री आपके पैर पकड़ती है, मेरे पति के प्राणों को बख्श दीजिए, चाहे मेरे प्राण ले जाइए। देख बेटी, मैं तेरे पति के प्राण तो उल्टे डाल नहीं सकता, लेकिन मैं तेरी विवशता को देख के और तेरे इस बुरे हाल को देख के मैं तेरे पति को तो वापस दे नहीं सकता, पर तेरे पति के अलावा तुझे बहुत कुछ दे सकता हूँ। बहुत कुछ दे सकते हो? हाँ, इसके अलावा तो जो कुछ भी मांगेगी तू वो यतन दे दूंगा महाराज। हाँ, जो कुछ मैं मांगूंगी आप दे दोगे? बिल्कुल। लेकिन कभी ऐसा ना हो कि मैं आपसे कुछ मांगू और फिर आप अपनी बात से मुकर जाओ। नहीं, यमराज की वाणी बिल्कुल अटल है, कदे मुकर नहीं सकती। वचन दीजिए मुझे। बिना वचन ही ले दे दूंगा ना, ऐसे मैं भरोसा नहीं करती ना आपसे। वचन दीजिए पहले मुझे। कितने वचन चाहिए? 3 वचन चाहिए। तो पहले तू यो वचन दे मने, अगर भाई तू तेरे वचना में अपने पति के प्राण नहीं मांगेगी। ठीक है, मैं अपने पति के प्राणों को नहीं मांगूंगी। तो मैं भी तना वचन दूं हूं, 1 2 3 मांग ले, जो भी मांगना हो। सुनिए मेरी बात, सुन ले। कर ले बेटी यकीन मेरा, राज मिले और नैन खोल दो ससुराने तरगीन मेरा। राज मिले और नैन खोल दो ससुराने तरगीन मेरा। पहला वचन, पहले वचन में क्या मांगा? कि जो हमारा राजपाट दुश्मनों ने छीन लिया वो राजपाट हमें वापस चाहिए। ठीक। दूसरा वचन ये कि मेरे ससुर और मेरी जो सासू माँ है दोनों नेत्रहीन है। अच्छा। उनके नेत्र मुझे चाहिए। जा ऐसा ही होगा सावत्री रे, ऐसा ही होगा सावत्री, अब देख लिए तू सीन मेरा। बिना पति के श्रीमान मने हो गया कति मनील मेरा। बिना पति के श्रीमान मेरा हो गया कति मनील मेरा। ए जी तुसी की होती है रे 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 के ऊपर डट जा। उस मानस का के कर ले जो कही बात ते नट जा। उस मानस का के कर ले जो कही बात ते नट जा। राज मिले और नैन खोल दो ससुरा नेत्रहीन मेरा। जी महाराज। तथास्तु बेटी, न्यू का न्यू हो जाएगा। तेरा एक वचन मन मांग लिया, 2 वचन और रह गए, उनमें और मांग ले जो। सुनिए मेरी बात। कह दे ओए सोच फिकर को छोड़ सती, जो सारी चिंता दूर करो। दो पुत्र हो मेरे पिता के धर्म राज मंजूर करो। दो पुत्र हो मेरे पिता के धर्म राज मंजूर करो। दो पुत्र हो तेरे पिता के, यानी तेरे बाप के 2
बेटे, तेरे दो भाई जी, तो तथास्तु। अरे दो भाई तेरा हो जाएंगे रे, दो भाई तेरा हो जाएंगे, अब खुशी आज भरपूर करो। एक पुत्र हो मेरे पेट से, तेजस्वी और शूर करो। एक पुत्र हो मेरे पेट से, तेजस्वी और शूर करो। ये मेरा तीसरा वचन है। वाह बेटी सावित्री वाह, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा कि तन अपने तीनों वचनों में अपने पति को नहीं मांगा। अरे एक बेटा मांग लिया उसके सारे तेरा भी दुख कट जाएगा। तो सुन ले बेटी, यह भी वचन दिया तथास्तु। दे दिया? हाँ। कहिए तो आगे। ए देता हूँ वरदान सती रे, देता हूँ वरदान सती, अब काया का तेरा दुख कट जा। अब तो ले जान दे। नहीं महाराज नहीं, ऐसे नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। ले बोला, अब तो वचन भी दे दिए, अब तो काटूंगा। अरे रुक तो जाइए, पहले मेरी बात सुनिए। आप मुझे ये बताइए, हाँ, कि जब मेरा पति ही जीवित नहीं रहे, कि जब मेरा पति ही मर चुका है, बिना पति के मैं अपनी संतान को जन्म कैसे दे सकती हूँ? इस बात का जवाब दीजिए मुझे। या तो आप वचनहार होइए, या मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस दीजिए। बेटी सावित्री, मैं तो गर्मी में, यो तेरे यहाँ देश में देख कितनी गर्मी है मेरे राम, मैं तो बंगड़ हो गया। बेटी वरदान तेरा उल्टा इसके ना, ना ना और कुछ मांग ले। नहीं महाराज, या तो आप वचनहार हो जी, या मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस दीजिए। बेटी मैं तेरे पैर पकड़ कर कहूँ, मैं यो काम नहीं कर सकता, कोई और मांग ले, दे दूंगा। क्यों दे दोगे? आपने मुझे वचन दिए हैं, वचनों में मुझे अपने अपने पेट से एक पुत्र चाहिए। अरे मैंने दिमाग नहीं लगाया, गर्मी में मन ने सोची क्यों दुखी है ऐसा जल्दी ऊपर। तो कोई बात नहीं, आप अपने आपका जो वचन है, आप अपने वचनों से वचनहार हो जाइए। ना ना यो वचन नहीं दूंगा मैं बिल्कुल। क्यों नहीं दोगे महाराज? आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। ले बोल, अच्छा फशास तो भाई, सुन मेरी बात। हाँ। मन कम तकम पता नहीं अनगिनत आत्माएं काट ली, करोड़ों शरीरों में से आत्मा निकाल ली, पर तेरी जिसी मन आज तक नहीं मिली। मैं नहीं दे सकता यो काम, नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तने मेरे तो डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। यमराज हूँ मैं। कोई बात नहीं, मेरे का नहीं देख। देख हाँ। मुझे डर नहीं लग रहा आपसे। अच्छा, सिर्फ पहले मेरे वचन दीजिए मुझे। तो डर नहीं लग रहा, तू यहीं मान जा, तू मेरी मौसी में ले दे, यो काम नहीं हो सकता। वचन तो आपको देने पड़ेंगे महाराज। अच्छा, या तो वचनहार हो जाइए, ना कोई सा भी काम ना करूं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात। बीच फसाया नौ निधि और बारा सीति आधीन आपकी माया, नौन की बारा सीति आधीन आपकी माया। एक कैसे जीवित कर दूंगा बता मैं तेरे पति की काया, सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान आपकी माया, प्राणों को मैं नहीं दे सकता ना। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके जो ये बेटी सावित्री है, इसकी उम्र कितनी है? बेटी तेरी उम्र में जब चला था ऊपर तो मैं चेक कर का जी। नहीं, रे 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 लट जा जी। ओहो उराई पुत्र करागो परले। गुरु मान सिंह ने मन समझाया, ध्यान हरि हर का रट जा, कह रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा कटका गिर जा, जा।